हम लोगों ने झारखंड भूगोल को शुरू करा था और झारखंड भूगोल में हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के जलवायु को पढ़ा था, इसमें हमने ये जाना कि झारखंड का जलवायु कैसा है। झारखंड का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। फिर हमने जाना कि जो झारखंड का जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून क्यों है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ये भी जाना कि जलवायु के घटक कौन कौन से हैं। फिर हमने ये जाना कि झारखंड का जो औसत वार्षिक जो वर्षा होता है वो 140 सेंटीमीटर होता है। इससे रिलेटेड फैक्ट भी हमने पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में झारखंड के जलवायु प्रदेश झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड जो सामान्यतः कौन से जलवायु में वाले में जगह में आता है, तो झारखंड का अगर जलवायु पूछा जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ध्यान में रखना है, पूछा जाए कि झारखंड का जलवायु कैसा है तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु झारखंड में है। तो झारखंड में जो जगह है, झारखंड के जितने प्रदेश है क्षेत्र है, उनको हम लोग विभाजन करते हैं झारखंड का जो लोकल जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जलवायु जो जो कारक है, जैसे कि तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा के जो स्तर है उसके विभिन्नता के आधार पर झारखंड के जो विशेष क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ऊपर वाला पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये घाटी दामोदर घाटी वाला क्षेत्र हो गया, ये पठारी वाला क्षेत्र हो गया, ये पाट क्षेत्र हो गया, ये नीचे वाला जो क्या कह सकते दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये सब जगहों में अलग तरह के तापमान और अलग तरह के वर्षा होती है। तो इसी तापमान और वर्षा में भिन्नता होने की वजह से हम लोगों ने झारखंड के जो जो जलवायु है उनको विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में बांटा दिया हम लोग ने। तो कुल कितने जलवायु क्षेत्र झारखंड में पाए जाते हैं, 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र झारखंड में देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। झारखंड में कुल 7 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड के हैं, तो ध्यान में रखना है, पहला जो झारखंड का जलवायु प्रदेश है वह उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या प्रायद्वीपीय प्रकार भी कहते हैं उनको। पहला जो है उत्तरी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय प्रकार, जो कि ऊपर में यह जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, यही हो गया पहला प्रकार। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र या उप महाद्वीपीय प्रकार। मध्यवर्ती क्षेत्र ये जो आपको हरा कलर का क्षेत्र दिख रहा है, यही जो है इसको बोलते हैं हम लोग मध्यवर्ती क्षेत्र या फिर उप महाद्वीपीय प्रकार कहते हैं आपका झारखंड के जलवायु प्रदेश का। उसका तीसरा जो है पूर्वी संथाल परगना और जो सागर प्रभावित जलवायु है वो ये वाला पूर्वी संथाल परगना और डेल्टा प्रकार क्षेत्र। तीसरा जो है पूर्वी संथाल परगना या डेल्टा प्रकार का क्षेत्र जो यहाँ पर है, ये वाला जो जो एरिया है साहिबगंज वाला एरिया, वो वाला एरिया आपका संथाल परगना के पास वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है तीसरे प्रकार में। यहाँ पर डेल्टा निर्माण होती है गंगा और भी नदियों के द्वारा, इसी कारण इसको डेल्टा प्रकार का जलवायु भी कहते हैं। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित जलवायु जो है, ये जो पीला वाला आपको दिख रहा है क्षेत्र जो पूर्वी सिंहभूम है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपके समुद्र से नजदीक है, इस वजह से इसको कह सकते हैं पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र। उसके बाद पांचवा जो है दक्षिण पश्चिम जो वर्षा क्षेत्र या आर्द्र वर्षा क्षेत्र कह सकते हैं, ये पिंक कलर जो दिख रहा है आपको दक्षिण पश्चिम में, ये वाला एक एक जलवायु का प्रकार है झारखंड का। फिर हजारीबाग रांची जो पठार है उसको हम लोग तीव्र या सुखद प्रकार का जलवायु भी कहते हैं, जो ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ये। उसके बाद बात करते हैं पाट क्षेत्र या शीत प्रकार का क्षेत्र, वो ये वाला है। तो पर्टिकुलर जितने भी प्रकार के क्षेत्रों को हमने यहाँ पर चर्चा किया, सभी के बारे में जानेंगे, इसके विस्तार के बारे में जानेंगे, वर्षा के बारे में जानेंगे, तापमान क्या होता है, और कुछ खास विशेषता जो इसको अलग बनाती है एक दूसरे से उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं उस सारे क्षेत्रों को, मैंने डिस्कस करा फिर भी देख लेते हैं। ये जो जो गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह देवघर गोड्डा, ये जो क्षेत्र हो गया ये क्षेत्र जो कहलाता है उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या फिर महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु वाला क्षेत्र में आता है, जलवायु वाले प्रकार में आता है। दूसरा जो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूर्व में, उत्तरी पूर्व में आपको दिख रहा है साहेबगंज, यहाँ पर साहेबगंज जिला है और फिर यहाँ पाकुड़ जिला है। तो साहेबगंज पाकुड़ जिला के आसपास वाला जो जलवायु का प्रकार है वो कहलाएगा पूर्वी संथाल परगना एवं डेल्टा प्रकार का जलवायु क्षेत्र। अब आते हैं ये जो हरा वाला चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका दुमका है, जामताड़ा है, फिर अंदर घूम जाते हैं रामगढ़ हो गया, हजारीबाग का भी कुछ चित्र आ जाता है,
चतरा के भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये सब क्षेत्र जो हरा वाला है इसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र या फिर उप महाद्वीपीय प्रकार कहते हैं जलवायु का। और अगला यहाँ बात करते हैं ये रांची, यहाँ पर जो है पूरी तरह से रांची है। कुछ कुछ पार्ट अगर हम लोग ले लें लातेहार का, चतरा का, गुमला कुछ पार्ट लेके, या जो रांची हजारीबाग जो पठार बनता है यहाँ पर, ये जो पठार है यही पठार जो है हजारीबाग के भी कुछ यहाँ पार्ट है, इस कारण से यहाँ पर भी एक प्रकार का जलवायु देखा जाता है। तो ये भी एक झारखंड के जलवायु प्रकार में एक प्रकार है। अब आते हैं इस साइड वाला, जो यहाँ पर जो गुमला लोहरदग्गा वाला क्षेत्र है, गुमला लोहरदग्गा लतिहार वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र पाट ऊंची भूमि है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई 900 मीटर तक होती है, इसकी ऊंचाई है यहाँ पर। तो ये एक अलग प्रकार का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर ऊंचे होने की वजह से ठंडा अधिक होती है। तो ये भी एक झारखंड में जलवायु का एक प्रकार है। अब आते हैं सिमडेगा, यहाँ पर सिमडेगा है आपका, फिर इस जगह खूंटी है, और यहाँ पर जो है वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम है। तो कुछ कुछ सरायकेला के पार्ट ले लेते हैं। तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पर जो आर्द्र वर्षा होती है, इस वजह से इसको आर्द्र वर्षा प्रकार के क्षेत्र कहा जाता है। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम, जो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का कुछ पार्ट है, इसको सागर प्रभावित जलवायु कहते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। अब सब पर्टिकुलर हर जो जलवायु के प्रकार है उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं उत्तर या उत्तरी पश्चिमी जलवायु, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, इसको महाद्वीपीय प्रकार भी देते हैं। महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु भी कहलाता है ये वाला। तो इसका विस्तार कहाँ से है, जैसा कि पहले मैंने बताया पलामू, यहाँ पर पलामू है, पलामू हो गया, फिर गढ़वा, यहाँ पर गढ़वा जिला है, उसके बाद चतरा, उत्तरी हजारीबाग का जो क्षेत्र हो गया यहाँ पर उत्तरी हजारीबाग है, फिर गिरिडीह हो गया, गिरिडीह यहाँ पर गिरिडीह है, फिर देवघर का क्षेत्र हो गया, कोडरमा का क्षेत्र हो गया आपका, कोडरमा यहीं पर है, कोडरमा का क्षेत्र हो गया, और दुमका और गोड्डा के क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में जो उत्तरी और पश्चिमी महाद्वीपीय प्रकार का विस्तार है। प्रश्न बन सकता है कि आपको जिले के नाम दे दें और मिलान करने के लिए दे दें कि इनमें से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रकार में क्षेत्र में अवस्थित जिले हैं। आपको ये जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जिलों के नाम आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लातेहार है ठीक है, यहाँ पौने होगा ठीक है, लातेहार, और उसके बाद फिर उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर ठीक है, और पश्चिमी दुमका तथा गोड्डा, ये जिलों के नाम को आपको अगर नोटबुक में नोट कर रहे हो तो नोट कर ले, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। ये हो गया उत्तरी पश्चिमी और महाद्वीपीय प्रकार के विस्तार क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो क्षेत्र है जलवायु का, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्रीष्म काल में बहुत अधिक गर्मी होती है और शीतकाल में अधिक ठंड होती है ठीक है। तो जो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल जो प्रकार का जो जलवायु होता है उसमें यही देखा जाता है कि गर्मी के टाइम में गर्मी होगा, शीतकाल में अधिक ठंड होगा। तो ये इसकी विशेषता है। पूछा जाए कि झारखंड के जो महाद्वीपीय प्रकार का जो क्षेत्र है उसकी विशेषता में क्या है, तो यहाँ पर अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी होती है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो उत्तर भाग में 127 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और दक्षिणी भाग में इस साइड वाला साइड में जो बारिश होती है वो 114 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है दक्षिण वाला भाग में। तो ये था उत्तर उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है जलवायु प्रकार का उस वो था। अब हम लोग थोड़ा सा मध्यवर्ती क्षेत्र यानी उप महाद्वीपीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो ऊपर में था महाद्वीपीय क्षेत्र, उसके नीचे जो है ये स्थित है उप महाद्वीपीय क्षेत्र। आपको दिमाग में रफ डायग्राम है, इसको दिमाग में एक तरह से बना लेना है ताकि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो सटीक से आराम से आप मेमोराइज करके प्रश्न हल कर सको। देखिए अब इसका विस्तार की बात करें तो जो उप महाद्वीपीय जलवायु है, इसको मध्यवर्ती क्षेत्र भी बोलते हैं, उप महाद्वीपीय जलवायु जो है उसका विस्तार कहाँ कहाँ, तो पूर्वी लतिहार, यह जो है यहाँ पर लतिहार का एरिया, पूर्वी लतिहार, चतरा, चतरा इसी इसी यहीं पर चतरा है, उप चतरा, चतरा जिला यहाँ पर है, छठा हुआ यहाँ तक है। उसके बाद फिर आपका हजारीबाग, दक्षिण का हजारीबाग, ये हजारीबाग जिला यहाँ पर हजारीबाग है। फिर आपका बोकारो हो गया, बोकारो है यहाँ पर, धनबाद हो गया, जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, ये सब जिलाओं में क्या है इस जो उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु है उसका विस्तार है। तो आपको जिलों के नाम को याद रखना है। उसका जो यहाँ का जो जलवायु क्षेत्र है ये लगभग जो महाद्वीपीय प्रकार जो ऊपर में हमने पढ़ा ठंड में अधिक ठंड गर्म और
गर्मी में अधिक गर्म वाला जो प्रकार है वो कुछ हद तक यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन वर्षा और आर्द्रता में थोड़ा सा भिन्न होता है। और तापमान जो है इसकी तुलना में, महाद्वीप जो था उसकी तुलना में ये वाला जो पार्ट है इसका तापमान जो होता है यहाँ वाला नीचे वाला पार्ट का उपमहाद्वीपीय प्रकार का थोड़ा कम होता है, इस कारण से इसको अलग से उपमहाद्वीपीय प्रकार बनाया गया। अब क्या है कि यहाँ की अगर वर्षा की बात करें तो वार्षिक जो वर्षा है यहाँ पर 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के मध्य में ही देखा जाता है। और थोड़ा सा इसमें जो हाइट की वजह से वर्षा में थोड़ा सा काफ़ी अंतर दिखाई देता है वर्ष में, ठीक, काफ़ी अच्छा हाइट से जो इधर जो आते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस साइड पहाड़ क्षेत्र वाले की वजह से हाइट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा वर्षा कम होता है। हाइट कहने का मतलब हाइट के तुल यहाँ पर वर्षा अधिक होती है हाइट की वजह से, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है मानसूनी क्लाइमेट की वजह से, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर कम वर्षा होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कहो तो 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के मध्य में इस उपमहाद्वीपीय प्रकार में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूर्वी संथाल परगना या फिर डेल्टा प्रकार का जलवायु। नाम में ही आपका लिखा हुआ संथाल परगना का पूर्वी भाग, तो आपको संथाल परगना का लोकेशन पता ही होगा। संथाल परगना का लोकेशन ये वाला लोकेशन संथाल परगना का है। संथाल परगना के पूर्वी भाग में ये आपका जिला आ गया, कौन कौन सा, साहेबगंज और पाकुड़। साहेबगंज और पाकुड़ का जिला में जो है ये जो डेल्टा प्रकार का जलवायु है झारखंड का उसका विस्तार देखने को मिलता है। हम लोग संथाल परगना और या डेल्टा प्रकार का जलवायु उसकी बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि जो संथाल परगना के पूर्व में जो क्षेत्र है वो वाला जलवायु क्षेत्र संथाल परगना या फिर डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, साहेबगंज जिला आता है, फिर जाके पाकुड़ जिला आता है, ये दो जिले यहाँ पर जो है ये दो जिले मुख्यतः जो संथाल परगना या फिर डेल्टा प्रकार का जलवायु क्षेत्र है उसमें गिना जाता है। ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, ये राजमहल पहाड़ियाँ के पूर्व में स्थित है ये जो संथाल परगना या फिर डेल्टा प्रकार का जो क्षेत्र है। यहाँ का जो ताप जो जलवायु होता है वो बंगाल का जलवायु से समानता मिलता जुलता जलवायु है। आपको यहाँ पर बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है, तो यहाँ का जो जलवायु, इस जगह का जलवायु बंगाल का उसे मिलता जुलता जलवायु आपको यहाँ पर मिलेगा। साहेबगंज या पाकुड़ जो जिला है वहाँ पर नॉर्वेस्टर जो हवाएं होती है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और इस वजह से यहाँ पर जलवायु है डेल्टा प्रकार का जलवायु का निर्माण करता है। गर्मी के समय में यहाँ का वर्षा जो होती है 135 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, ये संथाल पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र में यानी डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र में। और औसत अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो आपको जो वर्षा के जो जो यहाँ पर दर दिया हुआ है, यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, उसको आपको औसत में जरूर याद रखना है। ये जो पूर्वी संथाल परगना का जो औसत वर्षा कितना है 152.5 सेंटीमीटर, इसका वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। और वार्षिक तापांतर जो होता है वर्षा का के कारण यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, यानी कि ताप जो होता है, ताप में जो अंतर होता है कि मान लीजिए 5 डिग्री, फिर अचानक से या फिर कह सकते हैं 10 डिग्री, और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कुछ 5 डिग्री और बढ़ गया आपका 6 तक, तो यहाँ पर 5 से जो ताप में अंतर आया कितना, पर कितना 1 डिग्री अंतर, ताप अंतर जो हो गया ये वाला क्षेत्र में, ये वाला जो है यहाँ पर ज़्यादा हुआ और यहाँ पर कम हुआ, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ताप में जो अंतर होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर वर्षा की वजह से यहाँ पर ताप में बहुत कम ही अंतर देखने को मिलता है। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित क्षेत्र। तो पूर्वी सिंहभूम वाला जलवायु का क्षेत्र जो है, ये जो नाम से पता चल रहा होगा आपको एक जिला के बारे में, इसका विस्तार की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम नाम से ही आपको जानकारी हो चुका होगा। पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, यहाँ पर जिला है सरायकेला खरसावां और जलवायु क्षेत्र में आता है। और दालमा और दालभूम जलवायु जो क्षेत्र है उसी जलवायु क्षेत्र के अंतर आते हैं। अगर सागर से यानी समुद्र से इसकी दूरी की बात करें, समुद्र से ये जो है ना 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, समुद्र से ये 2 किलोमीटर दूरी है। बंगाली खाड़ी से यहाँ तक की दूरी कितना, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उत्तर का भाग, उत्तरी जो भाग है वो
ये 200 किलोमीटर स्थित है, और ये जो है यहाँ जो दक्षिणी वाला भाग है वो आपका 100 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं 90 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर के आसपास का दूरी है, मतलब आपका बंगाल की खाड़ी से। दक्षिण वाला भाग कितना है, 90 से 100 किलोमीटर के बीच में दूरी है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी है उत्तरी भाग में समुद्र से। इस वजह से क्या होता है, ये उत्तरी भाग, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जो सागर की जलवायु है उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है पूरे वर्ष जो है हवाएं चलती रहती है, पूर्वी हवाएं दक्षिणी हवाएं चलती रहती है लगभग पूरे वर्ष। इस वजह से यहाँ का जो तापमान जो होता है वो थोड़ा बढ़िया होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो तापमान जो समुद्र किनारे होती है उसी के लगभग, उसी से प्रभावित हवाएं यहाँ पर चलती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में बात करते हैं इसकी वर्षा के बारे में। तो इसकी जो औसत वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर से लेकर 152 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा जो हम लोग यहाँ पर माप रहे हैं सेंटीमीटर में माप रहे हैं, रेन गेज एक नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम लोग मापते हैं वर्षा को। हर टाइप का जो फनल यानी कुप्पी लगा होता है और इसमें मेजरिंग सिलेंडर होता है, इस तरह का एक यंत्र होता है उसको रेन गेज बोलते हैं, उसी से हम लोग क्या है वर्षा का जो दर है उसको मापते हैं सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर पानी जमा हुआ उसी के अनुसार हम लोग कहते हैं कि हाँ वर्ष में इतना सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ग्रीष्म काल में सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर से लेकर 152 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। तो समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर लू हो गया और धूल भरी आंधियाँ का अभाव रहता है। अगर बाकी क्षेत्रों में क्या होती है, समुद्री हवाएं नहीं मिलती है तो लू और धूल भरी आंधियाँ बहुत देखने को मिलता है झारखंड के दूसरे जगहों पर, खासकर बिहार से सटे क्षेत्रों में वहाँ पर मिलता है हम लोग को और इधर के क्षेत्रों में से नजदीक है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर धूल भरी जो आंधियाँ उसकी कमी मिलती है, और मानसून से पूर्व भी यहाँ पर थोड़ा सा जो बिजली उली चमक के पानी उनी बरसता है मानसून से पहले ही, ठीक है। उसका सागरी प्रभाव होने की वजह से यहाँ का तापमान जो है वो ज्यादा ही क्या कह सकते हैं गर्म और ज्यादा ही ठंडा नहीं रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है। और शीतकाल जो होता है वो भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ज़्यादा ज़्यादा समय तक नहीं होता। जैसे कि जितने भी समुद्री किनारे के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर का जलवायु की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पर ठंडा भी नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कंबल उम्बल चलेगा, गर्मी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पूरा मतलब आदमी परेशान हो जाए। तो जो समुद्री किनारे का तापमान होता है उसी से मिलता जुलता यहाँ थोड़ा सा है ठंडा जो होता है कम समय तक यहाँ पर होता है। कौन से जगहों की हम बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे पूर्वी सिंहभूम और सागर प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे थे। अब दूसरा प्रकार जो जलवायु प्रदेश का है अपने झारखंड में वो है दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र या फिर आर्द्र वर्षा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र दक्षिण पश्चिम है ये यहाँ पर वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र या फिर आर्द्र वर्षा क्षेत्र। इसका विस्तार की बात करें, इसकी विस्तार जो है यहाँ पर आपको शंख नदी देखने को मिलेगी। शंख नदी जो है उसके आसपास का क्षेत्र में यहाँ पर शंख नदी बेसिस है, और सुवर्णरेखा जो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो बेसिन, फिर साउथ कोयल, ये सब बेसिन में यहाँ पर ये जो क्षेत्र का विस्तार है। अगर हम लोग जिले की बात करें तो ये जो सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, यहाँ पर सिमडेगा है, ये यहाँ से पूरा क्षेत्र सिमडेगा का जिला है, यहाँ पर खूंटी का जिला है, और यहाँ पर ये पूरा पश्चिमी सिंहभूम का जिला है। कुछ कुछ सरायकेला खरसावां का भी पार्ट आ जाता है। तो ये सब जो है उसके विस्तार क्षेत्र है, किसके, दक्षिण वर्षा क्षेत्र जो जलवायु का प्रकार है उसका यहाँ पर वह विस्तार है। यहाँ पर जो है ना ये जो जगह है ऐसा जगह है जहाँ पर जो मानसून की जो भारत में दो धाराएं चलती है, एक अरब खाड़ी की धाराएं, अरब खाड़ी की शाखाएं, और एक बंगाल खाड़ी अरब सागर की शाखाएं और एक बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। तो दोनों तरफ से बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं मानसूनी हवाएं आती है उससे भी यहाँ पर कुछ कुछ वर्षा होता है, और अरब सागर से जो हवाएं आती है मानसूनी हवाएं उसकी वजह से भी इस क्षेत्र में वर्षा होता है। इस वजह से क्या है ये वर्षा वाला क्षेत्र है, और इसका नाम भी पड़ गया दक्षिण वर्षा क्षेत्र और या फिर आर्द्र वर्षा क्षेत्र। अगर हम लोग बात करें औसत वार्षिक वर्षा की, तो इसकी औसत वार्षिक जो वर्षा होती है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है, 152 सेंटीमीटर से अधिक ही, 160 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है।
और यहाँ पर सरंडा और पुरहाट नाम का विशाल जो वन क्षेत्र भी इसी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। सरंडा और पुरहाट इसका विशाल जो वन है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो रांची हजारीबाग पठारी जो कि अपना छठा प्रदेश क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, जलवायु प्रदेश क्षेत्र। रांची हजारीबाग पठारी इसको हम लोग तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु कहते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया प्रकार का जलवायु देखते हैं, इसके बारे में विशेषता जानते हैं। ये कहाँ है, इसका नाम से पता चल रहा है इसका लोकेशन। तो अगर आपको पठारी क्षेत्र या फिर प्रदेशों के जो क्षेत्र है उसका अगर नाम पता हो, उसका प्रकार पता होगा, तो आप कुछ हद तक उसके जो जिले हैं उसको आराम से गेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रांची हजारीबाग पठारी पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो आपको रांची जो है रांची जिला देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस साइड में हजारीबाग मिलेगा आपको। ये रांची का थोड़ा विस्तार बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक रांची का विस्तार है। तो रांची और हजारीबाग में जो क्षेत्र है वहाँ पर इस जलवायु का विस्तार देखने को मिलता। और ये जलवायु की विशेषता है कि ये सुखद प्रकार के जलवायु है। कहने का सुखद प्रकार के जलवायु का कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ज़्यादा ठंड भी नहीं है, पूरी तरह से गर्म भी नहीं है, पूरी तरह से ज़्यादा बारिश भी नहीं है, मतलब सारे चीज़ें हैं यहाँ पर मॉडरेट है। अगर वर्षा की बात करें तो औसतन वर्षा यहाँ पर 151 होती है, और हजारीबाग में ये 149 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपको ये जो औसत है कम से कम याद रखना है। औसतन वर्षा जो हजारीबाग सुखद प्रकार जलवायु क्षेत्र में कितनी होती है, 151 सेंटीमीटर होता है, हजारीबाग में 149 सेंटीमीटर होता है। और तापमान की बात करें तो यहाँ पर तापमान जो होता है औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर 22.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मॉडरेट चीज़ है। और नॉर्थ वेस्टर की वजह से यहाँ पर हल्का हल्का बारिश भी होता है। नॉर्थ वेस्टर जो है उसकी वजह से हल्का फुल्का यहाँ पर बारिश हो जाता है, और ऊंचाई की वजह से चारों ओर से यहाँ पर तापमान थोड़ा कम होता है। तो ये जो पार्ट का क्षेत्र है था आरी वाला जो एरिया था ऊंचा के क्षेत्र में, इस वजह से औरों की तुलना में थोड़ा यहाँ पर तापमान भी कम होता है, फिर बारिश भी हल्का मिल जाती है। इस प्रकार से ये जो सुखद जो माना जाता है सुखद प्रकार का जलवायु क्षेत्र माना जाता है। आपको सारे जलवायु क्षेत्र के जो विस्तार हैं उसको जरूर से जरूर याद रखना है, और साथ साथ जो औसत जो तापमान हो गया वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा, ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आखिरी आखिरी जो जलवायु क्षेत्र है झारखंड के जो जलवायु प्रदेश है वो क्या है, उसका नाम है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र या फिर शीत वर्षा प्रकार, ठीक है, दोनों नाम एक ही क्षेत्र के नाम हैं। आपको दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है परीक्षा में, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। पाट क्षेत्र वाले जो जलवायु प्रदेश है उसी का नाम शीत वर्षा प्रकार जलवायु भी है। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार जो है जो ये गुमला जो हो गया, लोहरदगा हो गया, और लातेहार वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है ये जो है यहाँ से यहाँ तक गुमला गुमला जिला है, यहाँ पर लोहरदगा जिला है, और कुछ कुछ यहाँ पर लातेहार जिला के में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह जो जलवायु है रांची पठार जो है उसके समान है यहाँ पर इसका जलवायु, लेकिन रांची पठार से अधिक ठंड है। अब ये रांची हजारीबाग का पठार है उससे यहाँ पर हल्का फुल्का समान, और इसके तुलना में यहाँ पर अधिक ठंड है। अब क्यों ठंड है, ठंड का कारण मैंने पिछले वीडियो में हल्का सा बताया था, ऊंचाई की वजह से। जैसे जैसे आदमी व्यक्ति जो है समुद्र से ऊंचा होगा जाएगा वैसे वैसे ठंड थोड़ा सा बढ़ेगा, और समुद्र से तल सतह के नज़दीक आएगा तो तापमान में वृद्धि होगी। तो यही जो पाट क्षेत्र है तो ऊंचाई पर है, इस वजह से क्या हो गया, ये पाँच क्षेत्र जो है 900 से 1000 मीटर ऊंचा है, इस वजह से यहाँ पर ठंडा थोड़ा सा अधिक होता है। और ठंड अधिक होती है साथ साथ जो से जो कन्वेंशनल जो वर्षा होती है वो भी हम लोग को ऊंचाई की वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ठंड थोड़ा सा अधिक होती है, साथ साथ अधिक वर्षा भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। गर्मियों में थोड़ा शीतलता और शीतलकाल में अधिक शीतलता मिलती है हम लोग को इस क्षेत्र में। ठीक है, गर्मी में क्या होता है थोड़ा सा हम लोग को बारिश वगैरह देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, और ठंडा के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ठंड हम लोग को इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसका ऊंचाई कितना है, एक खैर इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 900 से 1000 मीटर के ऊंचा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा जो होता है 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर है। कन्वेंशनल रेनफॉल जो 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 क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी लिया हुआ आर्द्र नमी वाला जो
हवाएं हैं वो ऊपर उठती है तो कन्वेंशनल रेनफॉल बनाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के बारे में अलग से, खरी को डील करेंगे वर्षा को ज्योग्राफी में, तब तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को जलवायु प्रदेश देख रहे हैं उसको देखते हैं। तो यह मानसून के अलावा शीतकाल में भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा वर्षा होता है, मतलब मानसून मतलब वही आपका वर्षा का ऋतु, और शीतकाल यानी ठंडा के मौसम में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिलता है हमको ये क्षेत्र में, पाटला क्षेत्र में। औसत वार्षिक जो औसत औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 160 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर जो बताया गया था वर्षा, वो था पाट प्रदेश का औसत वर्षा का जो दर था, वो वार्षिक दर 203 सेंटीमीटर जो था उससे अधिक ये पाट प्रदेश का था। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र का बात करें, पूरे पाट क्षेत्र का वो 160 सेंटीमीटर से औसत होता है, ऊंचाई पर 203 हो जाता है। और औसत अगर बात करें पूरे क्षेत्र में, कहीं पर अगर मान लीजिए ये वाला क्षेत्र हो गया, मान लीजिए इस नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर 140 हो गया, ऊपर गया ज़्यादा बढ़ गया 203 हो गया, तो एवरेज निकाले तो 160 सेंटीमीटर से अधिक जो है इस पूरे क्षेत्र का वार्षिक की बात करें, पूरे क्षेत्र का वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। और मई में अधिकतम होती है वर्षा यहाँ पर, और जनवरी में थोड़ा सा मई में वर्षा नहीं है, वर्षा होती है वो कन्वेंशनल रेनफॉल मई में भी हो सकती है क्योंकि बारिश गर्मी होगी तो वाष्पोकरण होगा। लेकिन तापमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तापमान मई में सबसे अधिक होता है ये क्षेत्र का, मई में तापमान अधिक होता है। मई के मौसम में जो होता है सूर्य की जो किरणें होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा जो है, और कर्क रेखा के आसपास होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो मई के महीने में यहाँ पर थोड़ा गर्म देखने को मिलता है ऊंचाई की वजह से, और ज़्यादा गर्मी सूखता है। तो मई के महीने में अधिकतम यहाँ गर्मी देखने को मिलता है, और जनवरी के महीने में यहाँ पर थोड़ा सा महीना में टेम्परेचर हम लोग को डाउन मिलता है। तो ये था हमारे झारखंड जो प्रदेश है उसके जलवायु प्रदेश के प्रकार हमने जाना। यहाँ पर हम लोगों ने 7 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को अध्ययन किया। पहला जो था वो था उत्तरी उत्तरी या फिर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसको हम महाद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा जो था मध्यवर्ती मध्यवर्ती क्षेत्र या उप महाद्वीपीय प्रकार था। और तीसरा जो था संथाल परगना, पूर्वी संथाल परगना डेल्टा प्रकार का जलवायु क्षेत्र। और चौथा जो था वो आपका था पूर्वी सिंहभू या सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र। और जो पांचवा था वो दक्षिण पश्चिमी वर्षा क्षेत्र या फिर आर्द्र वर्षा क्षेत्र, आर्द्र वर्षा क्षेत्र। और हजारीबाग पठारीय तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु क्षेत्र। और अंतिम जो था वो था पाट क्षेत्र या शीत वर्षा प्रकार जलवायु क्षेत्र। तो ये सब बार बार रिपीट ना करने से अच्छा मैं आपको अब यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। तो आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो प्रकार ध्यान में रखना है, फिर विस्तार कहाँ पर है इस क्षेत्र का, और वार्षिक जो वर्षा जो दर है उसको दिमाग में रखना है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो इंस्टाग्राम के इस आईडी को फॉलो करें, ट्विटर पे इस आईडी को फॉलो करें, टेलीग्राम के इस लिंक को जरूर ज्वाइन करें जहाँ पर मैं कंटिन्यू जो वीडियो के लिंक्स पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर अपडेट्स जो होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डालता हूँ, ताकि जो हमारे जितने भी मित्र है वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो और कोई ना कोई परीक्षा पीसीएस वगैरह या फिर कोई अधिकारी बने। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।